तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जी तंटू के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी क्लास का शेड्यूल है वो जो हमारा डेली जो अपडेटेड हमारी क्लासेस होती हैं वो डेली क्लास 4 बजे जो है वो आती है। तो दोस्तों, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डील करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीता ट्यूब चैनल पे पहली बार और अभी तक आपने हमारे जीता ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियो आप हमारे जीता ट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन के द्वारा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे जो है वो 131वीं जो है वो 131 जो है एपिसोड पूरे हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक BLS के बारे में। सो BLS में सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है, क्या इसका एल्गोरिदम है, कैसे अपन इसको मतलब सीखते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज करनी है। इफ अगर आप नर्स है और आपने देखा कि कोई पेशेंट जो है वो आपके सामने वो कोलैप्स हो गया है तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले अपन को वेरीफाई करना है क्या सीन सेफ्टी को। ये नहीं दोस्तों, अगर आपके सामने एक रोड पे पेशेंट कोलैप्स हुआ है रोड की साइड में और वहां आप वहीं पे जो है उसको CPR वगैरह देने लग गए तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि और भी गाड़ियां पीछे जा रही है, पता वो आपके ऊपर चढ़ा जाए फिर आपको कोई CPR देने लग जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जो सेफ्टी देखनी हो सीन की, अगर कोई पेशेंट जो है वो इलेक्ट्रिक के साथ में शॉक लगा हुआ है और वो फिर आप भी उसको वहीं पे ही CPR देने लग गए तो आपको भी शॉक लग जाएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सीन सेफ्टी देखनी है, तो वेरीफाई सीन सेफ्टी। देन उसके बाद में क्या करना है, आपको चेक फॉर रिस्पॉन्स के लिए देखना है। आप उसकी क्या है शोल्डर पे टैप करके पूछ सकते हैं कि हेलो कैसे हैं बाबूजी, जो भी है आप ओल्ड पर्सन है तो इस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्स आप उससे पूछ सकते हैं। एक्टिवेट EMS, आपको जो आपका EMS है आपका इमरजेंसी सिस्टम वो आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको गेट एन AED, AED क्या है दोस्तों, यहाँ पे AED यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब जो कि आपको काम आने वाला है वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। फिर अगर क्या करना है दोस्तों, इफ यहाँ पे दो चीज बनती है, अगर पेशेंट की पल्स और ब्रीथ जो है प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है विक्टिम को। अगर आपके विक्टिम की पल्स और ब्रीथिंग क्या है पॉजिटिव है चल रही है तो इफ ब्रीथिंग पैटर्न अब नॉर्मल बट हैज पल्स, ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न अब नॉर्मल है लेकिन पल्स जो है वो यहाँ पे चल रही है तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेक पल्स एवरी 2 मिनट, इफ पल्स नॉट प्रेजेंट बिगिन CPR। इसका क्या मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न अब नॉर्मल है बट लेकिन पल्स जो है तो आपको क्या है रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी पड़ेगी पेशेंट को और हर 2 मिनट से आपको उसकी पल्स चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पल्स यहाँ इफ पल्स नॉट प्रेजेंट, अगर पल्स यहाँ पे नहीं है तो आपको क्या करना है CPR देना है, ठीक है। If, अगर यहाँ पे एक और चीज है नो पल्स एंड ब्रीथिंग और ओनली गैस्पिंग, अगर पल्स भी नहीं है ब्रीथिंग भी नहीं है या फिर पेशेंट सिर्फ गैस्पिंग कर रहा है गैस्पिंग में है तो आपको CPR चालू कर देना है। CPR देना कितना रेशियो 30:2 रेशियो के, यहाँ पे एडल्ट का मैंने बताया 30:2 रेशियो से आपको क्या है 30 compressions to rescue breathing के साथ में आपको CPR जो है वो चालू कर देना है। तो ये एल्गोरिदम है। इसके बाद में अपन आगे AED का भी है उसको भी देख लेते हैं, तो इतना आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट के बारे में। तो इसके आगे क्या दोस्तों रहेगा, आगे की बात ये थी, अगर AED की बात करें तो AED क्या है एनालाइज करेगी रिदम को। सबसे पहले जैसे ही आप AED के पैड्स जो है वो प्लेस कर देंगे उसके पास मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे प्लेसमेंट जो है वो और दूसरी वीडियोस में भी बताऊंगा और ECG की लीड्स का प्लेसमेंट है वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अब AED के एनालाइज करेगी, AED क्या है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफेब जो है वो एनालाइज करेगा रिदम को कि रिदम कैसी है, इफ रिदम दूसरे यहाँ पे शॉकेबल है नॉन शॉकेबल है, ठीक है, वो एनालाइज करेगी। अगर शॉकेबल है तो शॉक देना है, नॉन शॉकेबल है तो क्या करना है। इफ दोस्तों यहाँ पे अगर शॉकेबल है तो आपको शॉक प्रोवाइड करना है, डिलीवर वन शॉक, कितना वन शॉक एंड रिज्यूम CPR फॉर अबाउट 2 मिनट्स, आपको एक यहाँ पे शॉक देना है और दोबारा से क्या रिज्यूम करना है CPR को कितने 2 मिनट के लिए, पूरे 120 सेकंड के लिए क्या करना है रिज्यूम करना है। देन आपको क्या करना है कंटिन्यू अंटिल प्रोवाइडर्स टेक ओवर और विक्टिम स्टार्ट टू ब्रीथ मूव और रिएक्ट, आपको जब तक करना है या तो पेशेंट विक्टिम जो है आपका स्टार्ट कर जाता है रिएक्ट करेगा मूव करता है या फिर ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है तब तक, या फिर वहां पे प्रोवाइडर्स जो है उसको लेके नहीं जाते तब तक। आपने वहां पे जो है AED के से पहले क्या किया था, आपने AMS क्या एक्टिवेट किया था कि एम्बुलेंस सिस्टम जो है वो आ जाए, वो नहीं आती तब तक आपको विक्टिम ब्रीथ मूव रिएक्ट नहीं करे तब तक आपको CPR देते रहना है।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर रिदम जो है वो नॉन शोकेबल है, ठीक है, स्वॉक नहीं देना है, तो क्या इमिडिएटली आपको रिज्यूम करना है सीपीआर को? इमिडिएटली आपको सीपीआर को रिज्यूम करना है कितने, फिर से 2 मिनट तक। एंड सेम चीज इधर भी, जब कब तक, कब तक, जब तक कि प्रोवाइडर्स ना आ जाए या हेल्थ प्रोवाइडर्स ना आ जाए या फिर आपका जो विक्टिम है वो यहाँ पे ब्रीथ रिएक्ट और मूव ना करने लग जाए, तब तक आपको उसको सीपीआर देना है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो एईडी एनालिसिस के ऊपर, लेकिन अभी कुछ की पॉइंट्स भी रह गए हैं, वो की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी वीडियो थोड़ी सी और लंबी चलेगी दोस्तों, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे की पॉइंट्स वो बताने वाला हूँ, वहां से भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकते हैं। तो आज की वीडियो एईडी के एनालिसिस की अभी यहीं तक है, लेकिन इसको भी आप लोग लिख लीजिए, फिर अपन चलते हैं की पॉइंट्स के ऊपर। तो अब कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स की अपन बात करते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है, जैसे यहीं से आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो की पॉइंट्स में क्या है, आपको सबसे पहले तो पुश हार्ड पुश फास्ट, पुश हार्ड पुश फास्ट का मतलब है कि आपको हार्ड पुश करना है और फास्ट पुश करना है। ये नहीं है कि आप धीरे 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 जो है वो कर रहे हैं, इस तरीके से आपका सीपीआर इफेक्टिव नहीं होगा। कंप्रेस एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर एट रेट ऑफ 100 से 120 प्रति मिनट। तो 5 सेंटीमीटर की कम एटलीस्ट आपको कंप्रेस करना है 100 से 120 पर मिनट दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेस होने चाहिए। उसके बाद में कंप्रेस डेप्थ जो है एडल्ट में दोस्तों एटलीस्ट 2 इंच 5 सेंटीमीटर होगी, चिल्ड्रन में भी एटलीस्ट यहाँ पे 2 इंच 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी एटलीस्ट होना चाहिए। वहीं इन्फेंट में भी 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अबाउट 1.5 इंच या फिर 4 सेंटीमीटर। अलाउ चेस्ट टू रिकॉइल कंप्लीटली आफ्टर ईच कंप्रेशन। दोस्तों आप क्या है, जैसे आप कंप्रेस देंगे ना, कंप्रेशन देंगे, तो चेस्ट को वापिस से रिकॉइल होने का भी आपको टाइम देना है। ना ये नहीं कि आप दबा दिया, एक बार कंप्रेस कर दी, फिर उसको कंप्रेस किए जा रहे हैं, वापिस से रिकॉइल होगा चेस्ट, तो यही इफेक्टिव माना जाएगा सीपीआर में। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो की बात करें दोस्तों, सबसे पहले चिल्ड्रन और इन्फेंट की, तो चिल्ड्रन और इन्फेंट में सिंगल रेस्पिरेटर है तो 30:2 होगा, लेकिन डबल रेस्पिरेटर है तो 15:2 होगा। वहीं पे एडल्ट की अगर बात करें तो 30:2 होगा सिंगल हो चाहे डबल रेस्क्यू रो, 30:2, यानी कि 30 जो है आपके चेस्ट कंप्रेशन, 2 जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू ब्रीथिंग आपको देनी है, ठीक है। तो यहीं से दोस्तों आपको की पॉइंट से ही दोस्तों यहाँ पे नोट से ही दोस्तों क्वेश्चन देखने जो है वो मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपने काफी वीडियो में बहुत कुछ नया सीखा होगा। बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम थी ये जिसके बारे में आपने आज बीएलएस के बारे में सीखा। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, आगे दोस्तों एसीएलएस भी होता है, एडवांस जो कार्डिक लाइफ सपोर्ट होती है उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में किसी में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक की वीडियो दोस्तों यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा और लोगों को भी शेयर करेगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आगे भी आपको फ्यूचर में मिलती रहे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे जीतल ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन जो है सब्सक्राइब वाला उस पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे फ्यूचर में भी जो है देखने को मिलती रहे। बाकी दोस्तों वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।